वेलकम टू टेस्टी बाइट्स फ्रॉम होम। खिचड़ी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है और उसमें अगर पालक डाल के बनाई जाए तो वो और भी हेल्दी और यम्मी और डिलीशियस हो जाती है। आज मैं आपके लिए लहसुनिया पालक खिचड़ी लेकर आई हूँ। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है। लेट्स स्टार्ट। इसको बनाने के लिए 2 कप राइस चाहिए, या अपना कप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं छोटा बड़ा। और 1 कप आप, मैंने यहाँ पे तुअर दाल लिया है, आप मूंग दाल भी ले सकते हैं। दोनों को अच्छे से वॉश करेंगे, वॉश करके मिक्स करेंगे। 2-3 बार इसको अच्छे से वॉश कर दीजिए। उसके बाद इसमें 1 चम्मच हम हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच, या अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डालिए। इसको 2 वेसल तक हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब तक हमारी खिचड़ी पकती है तब तक हम वाटर बॉयल करने के लिए रखेंगे पालक को उबालने के लिए नमक डाल के। जब वाटर बॉयल होने लगेगा तो मैंने इसमें 1/2 किलो पालक 500 ग्राम डाला है और इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही रहने देंगे इस बॉयल वाटर में। इसको अच्छे से बॉयल करके इसको तुरंत हम लोग निकाल लेंगे। इसको देखिए आइस वाटर में निकालिएगा। अब हमारा 2 मिनट हो गया है तो हम अपने सारे पालक को अच्छे से निकाल करके इस आइस वाटर में डाल देंगे। इससे ये क्या होगा, प्रोसेस रुक जाएगा, इसको ब्लेंच बोलते हैं, और हमारे पालक का कलर भी सेम रहेगा और बिटर टेस्ट भी नहीं आएगा। ये देखिए ठंडे वाटर में हमने इस सबको डाल दिया है। अब इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका पेस्ट बनाएंगे। उसमें 1 हैंडफुल धनिया पत्ती, मिंट, 3 से 4 गार्लिक और 3 से 4 हरी मिर्च डाल करके थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। तब तक हम लोग, जब तक ये पेस्ट बनेगा हमारा, ये देखिए सबको एक साथ पीसेंगे। एक साथ पीसने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। एक पैन लेंगे, इस पैन में हम लोग 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन खिचड़ी का फ्लेवर घी में बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच क्यूमिन सीड, 1 चम्मच मस्टर्ड सीड डालेंगे, 3 से 4 लाल मिर्च डालेंगे। जब ये सब ब्राउन हो जाएंगे अच्छे से तो उसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। फिर 1 कप हम इसमें ऑनियन डालेंगे चॉप्ड। इन सबको अच्छे से सौते करेंगे स्लाइट ब्राउन होने तक। ये देखिए गोल्डन हो गया। इसमें 2 बड़े टमाटर चॉप किए हम डालेंगे। इसमें थोड़ा सा हल्दी, 1 चम्मच क्यूमिन पाउडर, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर डालेंगे। इन सबको अच्छे से डाल करके भूनेंगे। इसको करने में हमें 3 से 4 मिनट लगेगा। और जब ये भुन जाएगा, देखिए हमारी खिचड़ी हो गई है, अच्छे से कुक हो गई है 2 सीटी में या इंस्टेंट पॉट में 8 मिनट में। हम इन सब मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। जब ये ऑयल रिलीज करने लगेगा तो उसमें हम पालक का पेस्ट डाल देंगे। इस पालक के पेस्ट को डाल करके इस मसाले के साथ हम लोग 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे ताकि पालक हमारा सारा फ्लेवर अब्जॉर्ब कर ले अच्छे से। जब ये 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे तो इसमें फिर अपनी खिचड़ी को मिक्स करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये बच्चे बहुत मन से खाते हैं। आप इसको इस तरह एक बार बना के देखिएगा और उनको आप पता भी नहीं चलेगा कि आपने पालक डाला। आप बोल सकते हैं सिर्फ धनिया और मिंट डाल के, चटनी डाल के बनाया है। ये आँखों के लिए बहुत हेल्दी होता है, इसमें बहुत विटामिन ए होता है और टेस्टी तो होता ही है। तो आप इसको एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा। थोड़ा सा सॉल्ट और 1 कप वाटर डालेंगे, क्योंकि ये खिचड़ी थोड़ी लूज़ अच्छी लगती है, इसको थिक नहीं अच्छी लगती है। आप इसको रायते के साथ, ऑनियन के साथ, पिकल के साथ खा सकते हैं, और वैसे अकेले भी आप खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इन सबको डाल करके 3 से 4 मिनट तक कुक होने देंगे ताकि ये सब फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए हमारी पालक की, लहसुनिया पालक की खिचड़ी तैयार हो गई है। अब इसमें हम लोग एक तड़का भी डालेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो आप वो तड़का अवॉइड भी कर सकते हैं। बस ऊपर से हल्का सा घी डाल के सर्व कर सकते हैं। उस तड़के को बनाने के लिए आप एक पैन में 1 चम्मच घी लीजिए, 1 से 2 चम्मच। उसमें थोड़ा सा हींग और जीरा डालेंगे। ऊपर से हींग और जीरे मिर्ची का फ्लेवर बहुत ही आता है किसी दाल में, खिचड़ी में, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। 4 से 5 चॉप्ड गार्लिक डालेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगा, खूब अच्छी गार्लिक की स्मेल होने आने लगी, तो उसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डाल करके इसको हम तड़के को ऊपर से खिचड़ी के ऊपर डालेंगे। आप इसको खाते वक्त, सर्व करते वक्त ही डालिएगा। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम विथ न्यू रेसिपी। टेक केयर।